हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त मोनिका आज आपके सामने फिर एक नया डिज़ाइन लेके आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने सारे पीस कट कर लिए हैं, तो मैं आपको इनका नाप बता देती हूँ। तो ये मेरे चार पीस हैं, ये भी मेरे चार पीस है और ये भी मेरे चार पीस है। ये इनकी लंबाई 5-5 इंच है, 5 इंच, और चौड़ाई 2.5-2.5 इंच। तो 2.5 इंच चौड़ाई है और लंबाई 5 इंच। ये मेरे 2.5-2.5 इंच के पीस हैं, ये भी मेरे 2.5-2.5 इंच के पीस हैं, ये भी चार पीस हैं, ये भी चार पीस हैं। ये मेरा एक पीस है जो 3-3 इंच का है, ये मेरे दो पीस हैं जो 3-3 इंच के हैं, ये मेरा एक पीस है जो 3-3 इंच का है। और इस फ्रेंड इस डिज़ाइन में हम लास्ट में पट्टियाँ जोड़ेंगे, उसके लिए मैंने ये फैब्रिक पहले से रखा हुआ है। हम बाद में इसको नाप के बाद में जॉइंट करेंगे, तो पहले हम डिज़ाइन को तैयार कर लेते हैं। तो पहले क्या करेंगे फ्रेंड्स, पहले हम वाइट इसको और इसको, इन दोनों को साथ में जॉइंट करेंगे। तो ये एक एक पीस लेके यहाँ आपस में सिल के रख कर ऐसे सिलना है, यहाँ से सिलाई लगानी है। तो ये हमारे दो पीस आपस में जॉइंट होंगे फ्रेंड्स, और ये दो पीस हमारे, ये 4-4 इंच, ये और ये और ये हमारे आपस में जॉइंट होंगे। तो इसको कैसे जॉइंट करना फ्रेंड्स, इसको यहाँ से सिलाई करेंगे और ओपन कर देंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक पीस ये सिल के दिखा देती हूँ, एक पीस ये सिल के दिखा देती हूँ, फिर मैं आगे सिलूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा जॉइंट हो गया है, तो ऐसे ही हमें ये पीस सिलने हैं। और ये हमारा जॉइंट हो गया है, तो ऐसे ही हमें ये पीस सिलने हैं। फिर क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसी ऐसे जॉइंट को इस पे एक पीस ले लेंगे और इसको आपस में रख कर सिलाई लगाएंगे। तो ये भी हमारा ऐसे रख के सिलाई लगाएंगे, तो मैं इसको भी सिल लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा ऐसे पीस तैयार हो गया है। देखिए, तो ऐसे ही हमें ये पीस तैयार करने हैं। तो मैं आपको ये सारे पीस तैयार करके दिखा देती हूँ ऐसे बना के। देखिए फ्रेंड्स, मेरे ये पीस तैयार हो गए हैं, ये भी तैयार हो गए हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे 1/2 इंच एक्स्ट्रा है, तो इसको हम कट करेंगे, क्योंकि हमने ये एक्स्ट्रा ही लिया था ताकि जब हम इसको जोड़े तो ये हमारा छोटा ना पड़े। तो ये देखिए, मेरा 1/2 इंच एक्स्ट्रा है, तो हम इसको काट लेंगे, और काटने के बाद सेम ये पीस भी हम इस पर रख कर नापेंगे, और जो हमारा एक्स्ट्रा होगा हम उसको कट कर लेंगे, क्योंकि हमें हर चीज़ बराबर चाहिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये पीस भी हमारा थोड़ा एक्स्ट्रा आ रहा है, तो हम इसको भी कट कर लेंगे। तो ये पीस हमें बराबर साइज के चाहिए, तो हम इन सबको बराबर साइज के कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे दोनों पीस बराबर बराबर हो गए हैं। अब क्या करेंगे कि हम ये अब ये इन पीसों का इस्तेमाल करेंगे। हम इसको इस पे के ऊपर रखेंगे और इसको इसके ऊपर रखेंगे। अब क्या करेंगे, स्केल की मदद से लाइन लगाएंगे, और फिर जैसे फ्रेंड्स मैं हर वीडियो में सिखाती हूँ, हम इस लाइन को लगा के बीच में से बाद में कट करेंगे और साइड साइड में सिलाई लगा लेंगे। तो मैं इन दोनों पीसों को सिल लेती हूँ, फिर आपको कट करके दिखाऊँगी। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे दोनों पीस सिल गए हैं। अब हम इनको बीच में से कट कर लेंगे, और फिर ये हमारे डबल शेड के दो पीस हो जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरे डबल शेड के दो पीस हो गए हैं, दो ये हो गए हैं और अब दो ये हो जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये भी मेरे दो हो गए हैं। अब क्या करेंगे हम, इसको 2.5 इंच नाप लेंगे और ये कोने वगैरह कट कर लेंगे। तो हम इसको तैयार कर लेते हैं, फिर मैं आपको सेट करके दिखाऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे पीस बराबर मैंने कर लिए हैं। अब मैं इन सारे टुकड़ों का डिज़ाइन तैयार करती हूँ, तो मैं आपको सेट करके दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपना डिज़ाइन सेट कर लिया है। अब हम इसको बारी बारी सिलेंगे। तो ये हम इसको इसके ऊपर रखेंगे और सिल लेंगे सिलाई को सिलाई से जोड़ के। ये भी हम इस पर रखेंगे और सिल लेंगे सिलाई से सिलाई जोड़ के। तो पहले मैं ये पीस सिल लेती हूँ, सेम हमें ये सिलना है, तो मैं आपको सिल के दिखाऊंगी।
देखिए फ्रेंड, मेरे दोनों पीस तैयार हो गए हैं, अब हम इनको सिलेंगे। तो इनको क्या करेंगे फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इनको आपस में जॉइंट करेंगे, इसको ऐसे और इसको ऐसे। हम यहाँ सिलाई लगाएंगे, यहाँ सिलाई लगाएंगे। मैं आपको सिल के दिखा देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ऐसे पीस हमारे जुड़ गए हैं, अब हम इसको ऐसे जोड़ेंगे। तो यहाँ सिलाई को सिलाई पर रख कर बिल्कुल, और एक हम पिन लगा लेंगे। ये हमारी पिन लग गई है सिलाई से सिलाई को जोड़ के, अब हम ऐसे सिलेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मेरा ये पीस तैयार हो गया है, अब हम इसको रख के सिलेंगे। तो इसको यहाँ रख कर सिलेंगे और पलट देंगे, इसको भी यहाँ रख कर सिलेंगे और पलट देंगे। तो मैं दोनों पीस सिल लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मेरा ये सिल गया है, अब हम इसको इस पर रख कर सिलेंगे। तो यहाँ हम इसको यहाँ रख लेंगे और बिल्कुल सिलाई को सिलाई से जोड़ लेंगे, पिन अप कर लेंगे, और फिर यहाँ से सिल के इसको पलट देंगे। ऐसे ही फ्रेंड्स हम ये करेंगे कि इसको इसी पीस पर रख कर यहाँ सिलाई लगा के सिल देंगे। लेकिन फ्रेंड्स, पिन अप करना ना भूलें। तो मैं आपको ये सिल के दिखा देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा ये डिज़ाइन कम्प्लीट हो गया है। अगर आपको इसके साइड में बॉर्डर लगाना हो, तो ये वजह से मैंने कपड़ा लिया है, इसी का ही बचा हुआ कपड़ा है। अगर मुझे इसे और बड़ा करना है या और ज़्यादा सुंदर बनाना है, तो इसमें पट्टियाँ लगाऊंगी। पर मुझे ये ऐसे ही अच्छा लग रहा है, तो मैं ऐसे ही रखूंगी। आप चाहें तो इसमें बॉर्डर लगा सकते हैं, और कई तरह के बॉर्डर लगा सकते हैं। तो आप जब भी बॉर्डर लगाएं, तो सेम इतना ही 2.5 इंच का चौड़ा रखें, और पूरी अच्छी तरीके से ऐसे ऐसे करके बॉर्डर तैयार कर लें। तो मुझे मेरा ये डिज़ाइन देखिए फ्रेंड्स, कितना खूबसूरत है। तो आप ऐसा सुंदर सुंदर डिज़ाइन बनाइए, और मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तभी के लिए बाय।